स्कूल ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बच्चा जाने, जहां से जाने में कतराए कि नहीं यहाँ थोड़ी देर और बिता दें और अगले दिन का इंतजार करे सुबह का कि हाँ स्कूल चले। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोसाला फाउंडेशन के डिजिटल टीचर की कहानी के 90वें एपिसोड में मैं सुरेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जुड़ रहे हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से श्री अभिषेक कुमार जी से। अभिषेक कुमार जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आइए जानते हैं अभिषेक कुमार जी ने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल किया। तो सर, बातचीत में हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो किस तरीके से रही? मेरा सर, मैं झुंझुनू का ही जिले का रेजिडेंट हूँ। यहाँ झुंझुनू से 4 किलोमीटर दूर मेरा गांव है अबूसर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे फादर भी एक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कॉलेज में लेक्चरर थे वो, बाद में प्रिंसिपल हुए। शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है वो इस तरह से है कि मेरी स्कूलिंग है वो 11 अलग अलग स्कूलों से हुई है और मैं 11 स्थानों पर अलग अलग जगह पढ़ा हूँ। सीकर, झुंझुनू, चूरू, कोटा, कालाडेरा, बीकानेर की अलग अलग स्कूलों में मैं पढ़ा हूँ स्कूल में। और उसके बाद कॉलेज मैंने एक ही स्थान से किया, लोहिया कॉलेज झुंझुनू से, या सॉरी लोहिया कॉलेज चूरू से। और वहाँ से मैंने पीजी कर लिया था एमएससी केमिस्ट्री से, और फिर बीएड करके मैं पीजीडीसीए राजस्थान यूनिवर्सिटी से करके और फिर जॉब में आया हूँ। ओके सर, स्कूल को लेके आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले कि मतलब स्कूल कैसी होनी चाहिए? सर, स्कूलें मैंने खुद मतलब एज ए स्टूडेंट खूब सारी स्कूलें एक्सपीरियंस की हैं और अब मैं पढ़ा रहा हूँ 23 साल से। उस वक्त तो खैर बच्चा होता है, अबोध होता है, लेकिन उस वक्त भी मेरे ख्याल एक विद्यार्थी के तौर पे मुझे कुछ चीजें लगी और अब भी महसूस करता हूँ मैं उन्हीं चीजों को, वो परमानेंट हो चुकी है हमारे सिस्टम में कि जो 6 घंटे की स्कूल है उसमें 8 पीरियड लगते हैं और 8वां पीरियड हमें क्लासरूम में बच्चों को बिताने पड़ते हैं। मतलब प्रैक्टिकल बात तो यही है, थ्योरेटिकली ये है कि वो गेम्स के पीरियड होते हैं, ये होते हैं, लेकिन उतना है वो अप्लाई हो नहीं पाते हैं। इसकी वजह से गेम्स है, कोई कोई स्किल बेस्ड कोई चीजें हैं, बच्चे में कुछ और टैलेंट है वो उसको उभार पाए, तो इतना इतना हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है स्कूल एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ बच्चा जाने, जहाँ से जाने में कतराए कि नहीं यहाँ थोड़ी देर और बिता दें और अगले दिन का इंतजार करे सुबह का कि हाँ स्कूल चले। इतना तक बच्चा बच्चे के दिमाग में ये चीजें चलती हैं, मेरा बिल्कुल ये ख्याल है। बच्चा जो क्लासरूम टीचिंग, ब्लैक बोर्ड, चॉक और टेबल और स्टूल की जो टीचिंग है उससे उकताया हुआ है इस वक्त। उसमें हमें करना पड़ेगा कि एक तो इस जो क्लासरूम टीचिंग है उसको रोचक बनाना पड़ेगा, और उसको रोचक बनाने के लिए आज टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अगर टीचिंग की जाए तो उसे बड़ा ही रोचक बनाया जा सकता है। सर, सबसे पहले आप कंप्यूटर से कब रूबरू हुए और आपके दिमाग में यह सोच कहाँ से आई कि स्कूल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए? कंप्यूटर का मुझे नॉलेज बहुत पहले, मतलब मैं 98 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर चुका था अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो मुझे उतना ज्ञान था कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, तो क्या केपेबल है करने में।
और उसके बाद जब टीचिंग में मैं आया तो 2008 में हमारे स्कूल में आईसीटी लैब खुल गया। 2008 में फर्स्ट फेज में हमारा हमको मिल गए थे 10 कंप्यूटर और एक प्रोजेक्टर। तो उस वक्त मुझे लगा कि जब प्रोजेक्टर अपने को मिल गया है, कंप्यूटर हमारे पास मौजूद हैं, तो क्यों ना इस लैब को यूज करके बच्चों को थोड़ा सा रोचकता बढ़ा दी जाए। अब उसमें साइंस उस वक्त मैं पढ़ा रहा था सेकेंडरी लेवल, तो उसके अंदर जो चैप्टर्स होते हैं जैसे अपना ह्यूमन सिस्टम्स हैं, फिर उसके बाद लाइट का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, जनरेटर है, तो उसको यदि क्लास में मैं चित्र बना के बता दूंगा तो वो बच्चा नहीं पकड़ पाता है। मैं एज ए स्टूडेंट खुद भी उस वक्त नहीं पकड़ पाया था। तो मैं थोड़ा सा ये मेरा रहता है कि स्टूडेंट के लेवल पे जाके, बच्चे के बौद्धिक स्तर पे जाके उसके साथ फ्रीक्वेंसी सेट करके कि कहाँ वो लैक कर रहा है समझने में, तो उसको समझाने जो चैलेंज हमारे को है एज अ टीचर, उस चैलेंज को मैं जीतूं, उसके आगे निकलूं, तो उसमें फिर हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो काम आती है। बड़े अच्छे अच्छे एनिमेटेड वीडियोस हमारे को यूट्यूब पे मौजूद हैं। उस टाइम लेकिन उतने वीडियोस तो नहीं थे, एक ऑर्गेनाइजेशन थी लर्न नेक्स्ट, LERNNEXT, वो एक प्राइवेट कंपनी थी जो 2000 रुपये में साइंस का एक सीडी भेजती थी वो अपने यहाँ से। तो मैंने वो सीडी 2000 रुपीज में खरीदी और उस सीडी को मैंने अपने क्लास में उसको यूज किया। वो एनिमेटेड सीडी थी, उसमें बड़ा अच्छा साइंस का समझाया हुआ था जो जितना भी मैटर था। हालांकि वो NCERT बेस्ड थी लेकिन हमारे सिलेबस काफी कॉमन थे उस वक्त भी, और अब तो NCERT दोबारा लागू हो गया है, तो वो मिल गई थी मुझे। तो फिर मैंने उसको स्कूल में अपना जो प्रोजेक्टर है उसको पहली बार 2008 के अंदर यूज किया था, और मेरे को बड़ा सफलता मिली। बच्चे इंतजार करते थे उस क्लास का उसमें, और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भी इसको यूज कर सकते हैं, और तो सीखना भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, और आराम से। अब तो YouTube पे खजाना पड़ा है, कितने ही वीडियोस पड़े हैं, हमारे राजस्थान बोर्ड के भी पड़े हैं, CBSE के भी हैं, बाकी भी हैं, नीट की पढ़ाई तक वहीं हो रही है, उसके बाद MBBS के लिए भी लेक्चर्स पड़े हैं। तो मतलब कुछ बचा नहीं है, बहुत इस वक्त मौजूद है, उपलब्ध है, तो उसको यूज करना है बस अपने को, तो केवल इस्तेमाल करना। शिक्षण कार्य में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? आप अपनी कक्षा में कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? मैंने क्या किया है कि एक कंप्यूटर डोनेट कर दिया है स्कूल को। वो डोनेट इसलिए कर दिया है कि मैं उसके ऊपर खुद काम कर सकूं, और वो थोड़ा सा हाई एंड है तो अपडेटेड सा चीज है, तो उसमें मैं अपने प्रिंट आउट निकाल सकूं, चैप्टर्स के बच्चों को मटेरियल बांट सकूं, उसके लिए मैंने किया। और उसके अलावा ये है कि इंग्लिश में राइटिंग पार्ट बहुत ज्यादा होता है, तो राइटिंग पार्ट अगर जैसे आपने हम सब ने पढ़े हैं सिलेबस में बहुत से पैसेजेस होते हैं, और पैसेज को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस बड़ी जरूरी होती है। तो 15-17 पैसेज जब तक प्रैक्टिस ना कर ले बच्चा, तब तक उसका काम वो उसमें ये मानिए आपकी 25% पार्ट जो है वो पैसेज का आता है। तो अब पैसेज यदि ब्लैक बोर्ड और चौक मेरे पास है और एक पूरा पैसेज मुझे बोर्ड पे लिखना है, तो वो बोर्ड पे मैं पैसेज लिखूंगा इतने में मेरा पीरियड चला जाएगा, उतना ही वक्त मिलेगा मेरे को। अगर मैं प्रिंट आउट निकाल के सब बच्चों को पैसेज बांट दूं और फिर उनको समझाऊं, तो
वो मेरा समय एक पीरियड का बच जाएगा, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करवाने में, उसको पहली बार है मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, दूसरी बार बच्चों को बोलूंगा हाँ समझो इसको, इसके नीचे के प्रश्न सॉल्व करो, तो वो समय बचाने वाली। और 15-17 करवा पाऊंगा, नहीं तो मैं करवा ही नहीं सकता, 15 पैसे नहीं करवा सकता, 5 या 7 पैसे ज्यादा से ज्यादा मैं उसमें अपनी क्लास में करवा पाऊंगा, यदि ट्रेडिशनल पारंपरिक वे में कराऊं तो। इसके अलावा लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, और मटेरियल है, क्वेश्चंस के आंसर हैं, बच्चों को इम्पोर्टेंट चीज़ें देनी है, नोट्स देने हैं, तो कितना कुछ प्रिंटर अपने पास हो तो मटेरियल बांटें। तो अभी पीछे कुछ सालों से 100% रिजल्ट रह रहा मेरा हमेशा, और इस साल तो अबव 90 इंग्लिश में, अभी साइंस का थोड़ा पार्ट मैंने पढ़ाया है, साइंस में भी अच्छे स्कोर्स रहे हैं। तो सर हाँ क्या लगता है, टेक्नोलॉजी ने आपका काम आसान किया है या मुश्किल कर दिया है? टेक्नोलॉजी ने तो बड़ा ही आसान कर दिया काम। और अभी जैसे मैंने बताया आपको कि मैं अपने घर पे मेरा लेसन तैयार कर सकता हूँ कंप्यूटर पे, और आसान तो हो ही है। आपको यह है कि वक्त बच जाएगा, और आसान इस मायने में भी है कि आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं जाना पड़ रहा है, हर बच्चे पे एक आप ब्लैक बोर्ड की तरफ आप मुंह करते हो, कुछ बच्चे हैं वो शैतानी करने लगते हैं, वो आप फोकस्ड रह सकते हैं आराम से उनको, ये है कि बता सकते, ये मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ आपसे, तो बड़ी क्लास हो तो उसको हैंडल किया जा सकता है बड़ा आराम से। और टाइम सेविंग मैं मतलब कितना आसान बना दिया है, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ कि कितना एफिशिएंट बना दिया है उस पर जोर दिया जाए। धन्यवाद सर। तो आज के एपिसोड में हमने अभिषेक कुमार जी से सुना कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा का स्तर बढ़ाने में किया जा सकता है। आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके की और भी कहानियां देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे टेक्नोशाला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शनिवार 2 बजे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।